दोस्तों टाइगर 3 के ट्रेलर ने ऑडियंस के बीच एक बहुत ही बेहतरीन माहौल बना दिया है। पठान और जवान के सक्सेस के बाद YRF स्पाई यूनिवर्स की इस अगली फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मुझे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पाई सीरीज जेम्स बॉन्ड की 2006 की मूवी कैसिनो रॉयल की याद आई। वैसे तो टाइगर 3 इस मूवी के एक्शन सीन काफी ढासू होने वाले हैं, ऐसा ये ट्रेलर देख के तो लगता है, लेकिन इस ट्रेलर के इस सीन में जब सलमान खान को यानी अविनाश सिंह राठौड़ को इमरान हाशमी यानी आतिश ने जब कुर्सी को बांध दिया है, ये वाला सीन देखकर मुझे कैसिनो रॉयल इस फिल्म के पॉपुलर टॉर्चर सीन की याद आई। उस सीन में डैनियल क्रेग ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि हम उस सीन के दर्द को पूरे जीवन में कभी भूल नहीं सकते। उस सीन को विद्युत जामवाल के एक फिल्म में कॉपी भी किया था, लेकिन डैनियल क्रेग के परफॉर्मेंस के सामने वो 1% भी नहीं पहुंच पाए थे। अभी बताना मुश्किल है कि टाइगर 3 में ऐसा कोई सीन होने वाला है या नहीं, लेकिन इस सीन का एटमॉस्फेयर लगभग वैसा ही लग रहा है। अगर आपने वो डैनियल क्रेग वाला सीन नहीं देखा होगा तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।